कि मैं नौजवानों आपसे अपील कर रहा हूं कि आप मेरी इस बात को याद रखो। क्या है उस मेरी बात को याद रखो कि आपने नशे को इस्तेमाल किया। मुसलमान नशे को इस्तेमाल करता है, शराब को पीता है, ड्रग्स इस्तेमाल करता है। मैं तुमसे हाथ जोड़ के भीख मांग के अपील कर रहा हूं, तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क के नशे के आदी हो जाओ एक मर्तबा। तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क के नशे के आदी हो जाओ। तुमने जो गांजा, तुमने जो शराब पीकर जो तुम जमीन पर बोझ बन चुके हो, तुम एक बार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क के नशे के आदी हो जाओगे तो जो शराब और ड्रग्स ने तुमको दुनिया पर बोझ बना दिया, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क का नशा तुमको दुनिया का इमाम बना देगा, तुमको दुनिया का इमाम बना देगा। अच्छा, कौन सा ड्रग्स इस्तेमाल हो रहा आजकल? एएमपी इंजेक्शन, फिर गुटके में गांजा मिला के खाते हैं, फिर पिल एक्टेसी टैबलेट है। एक मुझसे बताया गया कि जो पिल एक्टेसी टैबलेट खाता 48 घंटे तक उन्हें आंखें खुले रहते उसके। मुझे बोलने वाले कहा कि नहीं, एक बार ले लिए ना असद भाई तो 48 घंटे उन्हें आंखें खुले रहते। मतलब क्या करता आंखें खुले रख के? नहीं, कुछ भी हो जाओ उसको फर्क नहीं पड़ता, मैं नमाज पढ़ सकता नहीं क्या है? मतलब उसको मालूम कुरान, उसको मालूम उसके माँ बाप उसके घर में है, उसको मालूम कि उसकी बहन बीमार है या बाप बीमार है। कुछ नहीं, खाली एक पिलेक्टेसी टैबलेट 48 आवर्स उन्होंने जो है उसमें रहते। इस ड्रग्स को छोड़ो, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क का नशा अपने आप में डालो। याद रखो, दुनिया के इमाम तुमको अल्लाह बना देगा।